तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक लड़की को जो बर्फ वाले इलाके में मौजूद है और उस इलाके का नाम होता है नॉर्वे। वो लड़की वहां से भाग रही होती है, ऐसे लगता है अपनी जान बचा के भाग, वो अपनी जान बचाकर ही भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे ज़ॉम्बीज लगे। इतनी कोशिश के बाद भी वो अपनी जान नहीं बचा सकती क्योंकि वो ज़ॉम्बीज उसको पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक गाड़ी में 7 लोग होते जो आपस में फ्रेंड्स होते, वो कहां जा रहे होते, वो दरअसल अपने एक फेस्टिवल यानी ईस्टर वेकेशन को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और जिस जगह वो जाते हैं उसका नाम होता है ऑक्सफोर्ड। उन्हें जिस जगह पर जाना था वो पहाड़ों के बिल्कुल पीछे था, जहाँ पर वे गार्ड की दोस्त होती है उसका कैबिन होता है और उन लोगों को वहां पर स्टे करना होता है। और जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे उसके ऑपोजिट रास्ते से वो लड़की भी अपने कैबिन में पहुंचने वाली, और जैसे ही वो लोग ऑक्सफोर्ड में दाखिल होते हैं वो अपनी कार को वहीं पर खड़ा कर देते हैं क्योंकि गाड़ी आगे जाने की जगह मौजूद नहीं होती क्योंकि वो एक बर्फानी और पहाड़ी इलाका होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गार्ड अपनी स्नो बाइक रैक पर बैठता है और बाकी सब उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो उस कैबिन तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें पहुंचना होता है। वो लोग स्नो में काफी इंजॉय करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है, लिव घर में जा रही होती है लेकिन वो देखती है कि वहां पर कोई मौजूद है। वो काफी डर जाती है और भागते हुए उस कैबिन में आती है और अपने सब फ्रेंड्स को बताती है कि उसने वहां पर कुछ देखा है। वो लोग उसकी बात सुनकर फौरन उठ खड़े होते हैं और देखने जाते हैं कि वहां पर कौन है, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद फौरन ही वहां पर एक आदमी आ जाता है और वो उनसे कॉफी का एक कप मांगता है। कॉफी मांगने के बाद बड़ी अजीब हरकत करता है और वो क्या है, वो ये थी कि वो कॉफी की बजाय उनकी बियर्स उठाकर पी जाता है। वो बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट कर रहा था कि जैसे वो उसका घर है और वो लोग उसे काफी अच्छे से जानते हैं। इसके बाद वो आदमी उस जगह के डार्क पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि जब सेकंड वर्ल्ड वार पेश आई थी तो कुछ नाजिस ने उस जगह पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त उस जगह का जो इंचार्ज था वो था कर्नल एंजो। तो नाजिस लोगों ने 3 साल तक वहां पर मौजूद आम लोगों का जीना काफी मुश्किल किया लेकिन उसके बाद उन्हें अपनी शिकस्त दिखाई देने लगी और जब उन्हें महसूस हुआ कि वो लोग हार जाएंगे तो वो लोग वहां से भाग गए और वहां के लोगों पर उन्होंने काफी मुश्किल हालात में थे और वो लोग काफी गुस्से में थे। उन लोगों ने उनको पकड़कर मार डाला और उनकी जो सोल्जर्स थी वो भी वहां पर भाग गए और इसके बाद उनका कैप्टन था वो भी वहां से भाग निकला था लेकिन वहां पर इतनी सर्दी थी कि वो उस सर्दी की वजह से मर गया। वो कहता है कि मुझे यकीन है कि आज भी इस जगह पर बहुत सी एवर पावर्स मौजूद और मैं चाहता हूं कि वो कभी भी ना जाए। इस बात पर उन सातों में से मौजूद रॉय जो होता है वो उस आदमी पर है और उसका मजाक बनाना शुरू करता है। वो कहता है कि हम इन बातों को नहीं मानते क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट्स, और साथ में वो ये भी कहता है कि हम नहीं जानते कि इन एवल्स को या उनकी पावर को खत्म करने का क्या इलाज। ये सुनकर वो आदमी शदीद गुस्से में आ जाता है और उस गुस्से के आलम में वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि जब तुम्हारी आंतों को बाहर निकाल दिया जाएगा क्या इसका इलाज है तुम्हारे पास, उस हालत में तुम क्या करो। उन लोगों को वार्निंग देता है और वहां से चला जाता है और कुछ फासले पर वो टेंट लगाता है। उसे भूख लगी होती है और वो खाना खाता है और थोड़ी ही देर बाद कुछ आवाजें सुना लेकिन उसे नहीं पता ये किस चीज की आवाज। वो पता लगाने के लिए देखने जाता है कि ये किसकी आवाज है तो कुछ फासले पर उसको एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ नजर आता है। वो उस ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाने का सोच रहा होता है कि अचानक दूसरा ज़ॉम्बी उसके पास आता है और उसके गले को काट दिया जाता है लेकिन फिर भी कोशिश करके हिम्मत करके वो उस ज़ॉम्बी से अपने आप को छुड़ाता है और फौरन अपने टेंट में चला जाता है लेकिन उसके साथ ज़ॉम्बी भी चला जाता है और वो उसको वहीं पर मार डालता है। उस आदमी की बातों का विगार्ड पर काफी असर हुआ था और उसको अपनी दोस्त सारा की बहुत फिक्र हो रही और वो ये फैसला करता है कि वो सारा को ढूंढ कर लाएगा और वो अपने दोस्तों को कहता है कि मैं जा रहा हूँ और अगर मैं कल तक वापस ना आया तो हमारी कार जो खड़ी है वो उसके पास जाएं और वहां से हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद विगार्ड वहां से चला जाता है और जैसे ही वो वहां से चला जाता है वो सब लोग फिर अपनी इंजॉयमेंट में लग जाते हैं क्योंकि कोई भी उस आदमी की बात को सीरियस नहीं ले रहा था। और दूसरी तरफ विगार्ड सारा को ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते वो उसी आदमी के टेंट के पास पहुंच जाता है। वो वहां पर रुकता है, उसके टेंट के अंदर जाता है और देखता है कि वही आदमी वहां पर मरा हुआ है। इसको बहुत बेरहमी से मारा गया और साथ ही उसको वहां पर फूड स्ट्रक्चर मिलते, पांव के निशान जिसके अंदर काफी खून पड़ा होता है। वो कहां जा रहे थे उसे नहीं पता था लेकिन वो पांव के निशान काफी ज्यादा थे इसीलिए वो उनका पीछा करता हुआ चला जाता है। उसका पांव एक गड्ढे में फंस जाता है और वो वहां पर गिर जाता है। और साथ ही दूसरी तरफ सब लोग कैबिन में मौजूद होते हैं और अचानक उनकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है। वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं और खोलते ही वो सब काफी हैरान हो जाते हैं। उस बॉक्स में क्या था, वो पूरा गोल्ड से भरा हुआ था। वो सोना वहां पर कहां से आया था, उनके जहन में फौरन वही बात आई थी नॉजिस, ये वही सोना था जो वो नॉजिस चोरी करके भाग रहे थे। लेकिन इस पर मार्टिन कहता है कि नहीं तुम गलत सोच रहे। इसके बाद अर्लैंड घर में दाखिल होता है, उसके पीछे क्रिस्बी भी उसके साथ चली जाती है। उसके बाद अर्लैंड तो वापस आ जाता है लेकिन क्रिस्ट वापस नहीं आती। वो कहां गई होती क्योंकि वो अभी तक आउट हाउस में ही थी। वो वहां पर इसलिए होती है कि उसे महसूस हो रहा होता है कि शायद अर्डन उसके साथ कोई मजाक कर रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे बाहर से कोई देख रहा है। अभी वो ये सोच ही रही होती है कि अचानक से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। वो काफी चीखती चिल्लाती है और अपनी केबिन की तरफ भागती है और जो लोग केबिन में मौजूद होते हैं उन्होंने काफी लाउड वॉल्यूम में म्यूजिक लगाया होता है जिसकी वजह से क्रिस्ट की आवाजें उन तक नहीं पहुंची लेकिन हैना सुन लेती है। वो फौरन म्यूजिक बंद करती है और देखती है कि ये किस चीज की आवाज। वो बाहर की तरफ देखती है तभी क्रिस्ट को ज़ॉम्बी
पकड़ लेता है और वो जोम्बी क्रिस्ट को अपने साथ पकड़ कर ले जाता है। ऐना काफी देर तक बाहर देखती रहती लेकिन उसको बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा होता। वो सोचती है कि यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ है। वो कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। वहाँ पर मौजूद उसके तीन दोस्त होते हैं, वो उनको लेकर बाहर आती है ताकि वो क्रिस्ट को ढूंढ सके। वो चारों लोग मिलकर क्रिस्ट को ढूंढते हैं लेकिन क्रिस्ट उनको नहीं मिलती। उन्हें क्रिस्ट तो नहीं मिलती लेकिन वहाँ पर एक बैग मौजूद होता जो कि सारा का होता, इसका वो कैबिन था। अब उन लोगों को उस जगह के बारे में डाउट होने लगा और वो लोग उस जगह को अच्छा नहीं समझते और हैना मुसलसल बाहर देखती है। हैना बाहर देख रही होती है कि अचानक वो देखती है कि वहाँ पर क्रिस्ट आ गई। इसको देखकर वो काफी मुतमइन हो जाती है। क्रिस्ट को थोड़ी देर देखने के बाद वो देखती है कि वो सिर्फ क्रिस्ट का सर था। वो काफी डर जाती है और डर जाने की वजह से वो जोर से चिल्लाने लगती है। लिव फौरन भाग कर आती है। वो देखती है कि हैना क्यों चिल्ला। ये देखते हुए वो भी बाहर को देखती है लेकिन उसको बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। लिव बाहर देखती है तो साथ ही एक ज़ॉम्बी उसके बालों को मजबूती से पकड़ लेता है। वो काफी चीखती चिल्लाती है। सब लोग उसकी मदद के लिए आते हैं और बड़ी मुश्किल से वो ज़ॉम्बी से उसके बालों को छुड़ाते हैं और फौरन दरवाजे को बंद करते हैं। वो ज़ॉम्बीज इतने ताकतवर थे और इतने ज्यादा थे तादाद में कि वो चारों तरफ से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हुए हैना एक ज़ॉम्बी का हाथ काट देती। इसी वक्त उनको पता चलता है कि नौजे ज़ॉम्बीज हैं। अर्लैंड काफी डर जाता है और वो सब लोग उनको कहता है कि वो सब अपना ख्याल रखे कि कहीं कोई ज़ॉम्बी उनको नुकसान ना पहुंचा। वो उन लोगों को मूवी का कोई ट्रिक बता रहा होता है जिससे उनकी जान बच सकती है। ठीक उसी वक्त एक ज़ॉम्बी आता है और उसके सर को पकड़ लेता है और दो टुकड़ों में तकसीम कर देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विगार्ड जो कि गिर गया था बेहोशी के आलम में, अब उसे होश आ गया था और वो देखता है कि वो एक केव में फंसा हुआ है। वो वहां से एक लकड़ी उठाता है, उसको आग जलाता है ताकि रोशनी हो सके और वो दोबारा अंदर जाकर देखता है कि वो क्या है। तब उसे पता चलता है कि वो एक खुफिया रास्ता है और वहां पर काफी चीजें मौजूद होती है, जैसे कि वहां पर उसको हथियार मिलते जो कि जर्मन की और उसके साथ काफी हेलमेट्स भी होते हैं। वो हेलमेट्स को देख रहा होता है कि वो देखता है कि उन हेलमेट्स के साथ सारा का सर भी पड़ा हुआ है वहां पर, जिससे ये जाहिर होता है कि सारा मर चुका। ये सब देखने के बाद वो उस टनल से बाहर आता है और जैसे ही वो बाहर आता है एक ज़ॉम्बी उसको पकड़ लेता है लेकिन वो फिर भी ज़ॉम्बी से मुकाबला करता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक उसी वक्त एक और ज़ॉम्बी जो कि जमीन में से निकल रहा होता है और दूसरी तरफ बाकी लोग जो कि कैबिन में मौजूद होते हैं वो एक प्लान बना रहे हैं। वो कहते हैं कि दो लोग जो ज़ॉम्बी को बातों में लगाएं, मतलब उनका ध्यान इधर उधर बटाएं, और बाकी दो लोग जो कि वहां पर गाड़ी से मदद लेकर आएं। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन और रॉय जो कि उन ज़ॉम्बी का ज़हन इधर उधर करने आते कि वो उनकी तरफ मुतवज्जा ना, और दूसरी तरफ हैना और लिव अपनी मदद के लिए उस कार की तरफ भागती। वो लोग रास्ता भूल जाती हैं। इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने के बाद ये काफी नहीं होता कि फौरन वहां पर ज़ॉम्बीज आ जाते। वे गार्ड जो कि उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर रहा था उन दोनों ज़ॉम्बीज को मार डालता और साथ ही वो ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। उस ज़ॉम्बी के साथ एक रस्सी होती है, वे गार्ड उसको पकड़ के उस ज़ॉम्बीज के साथ नीचे गिर जाता है और लटका रहता है। ज़ॉम्बी और वे गार्ड रस्सी के साथ लटके होते हैं और ज़ॉम्बी वे गार्ड की गर्दन पर काट लेता है लेकिन वो फिर भी अपनी जान बचा लेता है और वहां से ज़ॉम्बी को नीचे फेंक देता है और रस्सी को ऊपर की तरफ खींचते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हैना और लिव जो कि अपनी मदद को गई, वो भी ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर रही होती हैं लेकिन लिव उनका मुकाबला नहीं कर सकता और ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और चीर फाड़ करके उसको मार डालते। लेकिन मरने के साथ साथ वो एक इलेक्ट्रिक स्ट्रिक लेती है और उन सारे ज़ॉम्बीज को मार देती है। ये देखकर उन ज़ॉम्बीज का कैप्टन कर्नल हर्ट्ज़ भी वहां पर आ जाता है। हैना उस जगह की टॉप पर खड़ी होती है, वो देखती है कि मदद कहां से ले जाए। जब उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती तो वो बर्फ को ही तोड़ना शुरू कर देती है। बर्फ टूट जाती है और एक ज़ॉम्बी जो उसके पीछे पड़ा था वो उसके साथ नीचे गिर जाती है और अपने जान बचा ले। उसकी जान तो बच जाती है लेकिन वो बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि उसके ऊपर काफी बर्फ है, यानी वो बर्फ के नीचे दबी हुई है। वो अपने इर्द गिर्द देखती है तो वो देखती है कि एक ज़ॉम्बी भी है जो उसके साथ वहां पर दबा हुआ था लेकिन वो जिंदा था। वो बगैर वक्त जाया किए उसको मार डालती है और वहां पर वे गार्ड जिसकी गर्दन काफी जख्मी थी वो खुद ही अपने गर्दन को टांगों से जोड़ देता है। उसके बाद वो अपनी पिस्टल लेता है और अपनी स्नो बाइक पर लगाता है और उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए निकल जाता है। और मार्टिन और रॉय जो छुपे होते हैं वो उन ज़ॉम्बीज का ज़हन बटाने के लिए वहां पर छुपे होते हैं ताकि वो चुपके से उनको मार डाले। रॉय एक ब्लास्ट को बाहर फेंकने की कोशिश करता है लेकिन वो उनके कैबिन में ही फूट जाता है और कैबिन में आग लग जाती है। उस आग से बचने के लिए वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद वो एक शेड में जाते हैं। वो शेड में क्या देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे औजार पड़े हुए हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो ये हथियार उठा लेंगे और इनके जरिए ही ज़ॉम्बीज का मुकाबला करेंगे। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं वहां पर ज़ॉम्बीज की एक फौज आ जाती है और उन हथियारों की मदद से उन ज़ॉम्बीज को एक एक करके मारते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बीज मरते जाते हैं एक के बाद एक ज़ॉम्बीज आता जाता है और काफी सारे ज़ॉम्बीज उनके सामने आ जाते हैं। ठीक उसी वक्त पर वेगार्ड वहां पर पहुंच जाता है और वो अपनी मशीनी गन से चारों तरफ फायर करता है और सारे ज़ॉम्बीज को मार डालता है। इसके बाद और ज़ॉम्बीज आते हैं लेकिन वेगार्ड उनको मारता जाता है लेकिन उसके बाद उसके साथ बहुत बुरा होता है। काफी सारे ज़ॉम्बीज अचानक उस पर हमला कर देते हैं और उसके हाथ पांव को तोड़ देते हैं। इस सारे आलम को उसके दोनों दोस्त भी देख रहे हैं और मार्टिन काफी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो उन ज़ॉम्बीज को अंधाधुंध मारना शुरू कर देता है। जब वो ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है तो ठीक है ना उसी वक्त पर वहां पर पहुंच जाती है और वो वेगार्ड के पीछे खड़ी होती है। वो समझता है कि वो भी एक ज़ॉम्बी है और वो फौरन
उस पर भी अटैक कर देता है और उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ा मार देता है। वो काफी जख्मी हो जाती है और वो मरना शुरू हो जाती है। मार्टिन जब ये देखता है तो वो काफी सैड हो जाता है, लेकिन ये वक्त उनके अफसोस करने का नहीं था बल्कि जान बचाने का था, क्योंकि उसके सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज की एक फौज खड़ी हुई। मार्टिन उनको मार रहा होता है, उन ज़ॉम्बीज में से एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर अटैक करता है और उसे मारता है। जब वो ज़ॉम्बी उसके हाथ पर काट रहा होता है तो उसको फौरन उस आदमी की बात याद आती है और वो फौरन कुल्हाड़ी लेकर अपने हाथ को काट देता है। हाथ को काटने के बाद वो काफी खुश दिखाई देता है, क्योंकि वो इस बात पर खुश होता है कि अब वो भी उनकी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। वो वहाँ खड़ा होता है और फौरन एक ज़ॉम्बी जमीन से निकलता है और उसको दांतों से मार डालता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। वो चीखता चिल्लाता रहता है, वो गुस्से में होता है और वो पांव से उस ज़ॉम्बी को मारना शुरू कर देता है। वो सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है, सिर्फ जो रह जाता है वो होता है हर्ज़ोग। वो सोचते हैं कि हम फौरन हर्ज़ोग को मार दें और अपनी जान छुड़ा के वहां से भाग, लेकिन हर्ज़ोग मुंह खोलता है और मुंह से कुछ बोलना शुरू कर देता है जिससे सारी जमीन हिलने लगती। वो मुंह से बोलता रहता है, जमीन हिलती जाती है और एक एक करके उस जमीन में से वो मुर्दा ज़ॉम्बीज उठ रहे थे और फिर से एक फौज बन गई। उन लोगों को लगता है कि अब वो काफी मुश्किल में है, इसलिए वो दोनों वहां से अपनी जान छुड़ाकर भागने की कोशिश करते हैं। हर्ज़ोग देखता है कि उसके पांव के पास एक हथौड़ी पड़ी। वो लोग भागते हैं और रॉय का पांव किसी झाड़ी में फंस जाता है और फौरन हर्ज़ोग उसके पास पहुंच जाता है। साथ ही उसका दोस्त हर्ज़ोग के सर में हथौड़ा मारता है। जब वो हर्ज़ोग को मार रहा होता है तो वहां झाड़ियों में मौजूद एक टहनी उसके पेट में चली जाती है और उसकी सारी आंतड़ियां बाहर आ जाती है। वो फौरन रॉय के पास जाता है, उसकी पॉकेट में हाथ डालता है और वहां से एक घड़ी निकालता है और फौरन सोच में पड़ जाता है, यानी उसके जहन में क्या चल रहा है। वहां से भागता है और उसी कैबिन की तरफ जाता है जहां पर वो रह रही होती है। वो देखता है कि कैबिन बुरी तरह जल रहा है। वो फौरन कैबिन में दाखिल होता है, किसी तरह वो उस खजाने को जिसमें गोल्ड था उस बॉक्स को उठाता है और इसके बाद वो उन ज़ॉम्बीज के कैप्टन को वो पकड़ा देता है, जिससे वो काफी पुरसुकून लगते हैं। इसके बाद मार्टिन अपनी जान छुड़ा के वहां से निकलता है और अपनी कार के पास आ जाता है और जैसे ही वहां पर पहुंचता है वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा होता है कि फौरन उसकी जेब से वही वाला कॉइन जो हैना ने चोरी से डाला था नीचे गिर जाता है और फौरन उसके सामने हर्ज़ोग आ जाता है जो कि बुरी तरह चिल्ला रहा होता है और वो उसका शीशा तोड़ने की कोशिश करता है और इसके बाद मूवी द एंड हो जाती है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि सिर्फ एक शख्स ही है जो बचता है उन ज़ॉम्बी से, जिसका नाम मार्टिन होता है। वो अपनी जान बचाकर गाड़ी में आकर बैठ जाता है और जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है उसकी जेब से एक कॉइन गिर जाता है। ठीक उसी वक्त हर्ज़ोग भी वहां पर पहुंच जाता है जो गाड़ी के बाहर खड़ा होता है। हर्ज़ोग गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और मार्टिन को पकड़ लेता है और साथ ही बहुत सारे और ज़ॉम्बीज वहां पर पहुंच जाते हैं और गाड़ी में घुसने की कोशिश करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो गाड़ी को वहां से भगाना शुरू कर देता है। वो गाड़ी को बहुत तेजी से लेकर जाता है जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज नीचे गिर जाते हैं सिवाय हर्ज़ोग के। हर्ज़ोग उसकी गाड़ी पर लटका रहता है। फिर वो देखता है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है। जैसे ही वो ट्रक मार्टिन की गाड़ी के पास पहुंचता है हर्ज़ोग को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। इस हादसे में हर्ज़ोग का हाथ कट जाता है और वो हाथ कट कर मार्टिन की गाड़ी में गिर जाता है। ट्रक का ड्राइवर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो हालात को जानने के लिए ट्रक से नीचे उतरता है। हर्ज़ोग उसके साथ कुछ अजीब ही करता है। वो अपनी तीन फिंगर्स की मदद से उसको जान से मार डालता है। उसके बाद हर्ज़ोग अपने सोल्जर्स की तरफ आता है और उनको हुक्म देता है कि सब लोग आबादी की तरफ चले जाएं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं मार्टिन जो गाड़ी को बहुत तेज ड्राइव कर रहा होता है और इस दौरान उसे घनौतकी का एहसास होता है। उसे नींद के झोंके आने लगते हैं जिसकी वजह से गाड़ी उससे बेकाबू हो जाती है और क्रैश हो जाता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि अब वो हॉस्पिटल। उसके बाद मार्टिन के पास कुछ पुलिस वाले अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाते और उसे कुछ सवालात करना शुरू कर दे। मार्टिन उन सारी बातों का जवाब देता है लेकिन पुलिस वाले उसकी एक भी बात का यकीन नहीं करते। पर मार्टिन के साथ बैड लक ये होती है कि उन सब लोगों के मर्डर का जुर्म वो मार्टिन पर डाल देते और सारा इल्जाम मार्टिन पर आ जाता है। उसके बाद जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक गुड न्यूज सुनाता हूँ। वो ये है कि तुम्हारा हाथ कट चुका था लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि वो हमें तुम्हारी गाड़ी में मिल गए जिसको हमने तुम्हारे बाजू के साथ जोड़ दिया है। ये सुनकर मार्टिन अपने हाथ की तरफ देखता है। तब उसे पता चलता है कि वो उसका हाथ नहीं है बल्कि वो हर्ज़ोग का हाथ। ये देखकर वो उन डॉक्टर्स को बताता है कि ये उसका हाथ नहीं है और जैसे ही ये बात वो कर रहा होता है उसका हाथ कंट्रोल से बाहर हो जाता है और साथ ही वो उन डॉक्टर्स पर हमला कर देता है और काफी डॉक्टर्स को जख्मी कर देता है। इसके बाद वो बड़ी मुश्किल से मार्टिन को पकड़ते हैं और उसको बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देते हैं और साथ ही हर्ज़ोग और उसकी टीम जो कि पॉपुलेशन में दाखिल हो गए थे वो एक घर में दाखिल होते हैं और वहां पर रहने वालों को मार देते हैं। क्योंकि हर्ज़ोग का हाथ भी कटा होता है और वो अपने नॉजीज ज़ॉम्बी डॉक्टर से अपने हाथ का ऑपरेट करवाता है और अपने हाथ को जुड़वाता है और वो हाथ मार्टिन का होता है जो कि कट के वहां बर्फ में गिर गया था जो अब इन लोगों को मिला था और वो हर्ज़ोग के साथ जोड़ देता है। हर्ज़ोग में इतनी पावर्स थी कि वो भी हाथ को उसके बाजू के पास लेकर ही जाता है तो वो खुद ब खुद आपस में जुड़ जाता है। इसके बाद वो जाते हैं एक कब्रिस्तान, उस कब्रिस्तान में जहाँ पर वो जर्मन सोल्जर दफन। हर्ज़ोग उनको दोबारा जिंदा करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। तब उनका डॉक्टर
हर्जोग को बताता है कि इन कब्रों में पड़े मुर्दों की लाशें काफी पुरानी हैं, जो गल सड़कर खत्म हो चुकी है। अगर हम चाहते हैं कि ये लोग दोबारा जिंदा हों, तो इसके लिए हमें फ्रेश डेड बॉडीज, यानी जो लोग अभी अभी मरे। ये सुनते ही हर्जोग एक चर्च में जाता है। वहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम प्रीस्ट होता है। वो उसे भी मार देता है, और जैसे ही वो मर जाता है, हर्जोग उसके चेहरे पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से वो दोबारा जिंदा हो जाता है, और वो भी उसके सोल्जर में शामिल हो जाता है, यानी अब वो भी उसका एक स्लेव होता है। इस बात से जाहिर है कि हर्जोग काफी पावर्स का मालिक था। मार्टिन को हम देखते हैं जो हॉस्पिटल के बेड पर होता है, और उसको बेड से काफी टाइट बांधा होता है। उसके साथ बाहर एक पुलिस वाला भी होता है जो सो रहा होता है। ठीक उसी वक्त वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसका नाम बॉबी होता है। वो दरअसल अमेरिकन ट्रैवलर होता है। वो देखता है पुलिस वाला सो रहा है। इस बात का फायदा उठाते हुए वो मार्टिन के रूम में चला जाता है। वहाँ उसकी नजर उस ज़ॉम्बी के हाथ पर पड़ती है, जो कि उसको काफी अच्छा लगता है। वो उस हैंड की पिक्चर को खींचता है, और उस पिक्चर को ज़ॉम्बीज़ हंटर, जिन्हें ज़ॉम्बी स्क्वाड भी कहा जाता है, यानी जो ज़ॉम्बीज़ का शिकार करते हैं, उनको सेंड कर देता है। उन ज़ॉम्बीज़ स्क्वाड का ताल्लुक अमेरिका से था, जिनका प्रोफेशन ही ज़ॉम्बीज़ का शिकार करना था। मार्टिन उस बच्चे को किसी किस्म का लालच देता है, उसे बांधा होता है, और वो उससे आजाद हो जाता है। वो बाहर आकर देखता है कि पुलिस वाला है, इसलिए वो वहां से भाग नहीं सकता। उसके बाद हर्जोग का हाथ एक अजीब काम करता, उस बच्चे बॉबी को उठाकर विंडो से बाहर फेंक देता। ये देखकर मार्टिन भी उसके पीछे जाता है और बच्चे को जाकर देखता है, लेकिन बच्चा बेहोश होता है। वो उसे होश मिलाने की कोशिश करता है, उसकी चेस्ट को प्रेस करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा प्रेस करता है कि उसकी सारी चेस्ट क्रैश हो जाती है और हड्डियां टूट जाती है। ये सब कुछ उस हाथ की वजह से हुआ था, क्योंकि वो काफी पावरफुल था। ये सब कुछ वो पुलिस वाला उस खिड़की से देख रहा होता है, और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि बॉबी को मार्टिन ने मार दिया है। उसका अंदाजा सही भी था। मार्टिन वहां से भाग जाता है, और पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है। लेकिन उसके हाथ ने यहाँ पर एक और उल्टा काम कर दिया था। वो ये था कि वहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। मार्टिन एक मर्सिडीज के पास जाता है, वो एक गाड़ी का लोगो टाइप उतारता है और उस पुलिस वाले की तरफ फेंकता है, और वो लोगो टाइप पुलिस वाले के सर में जाकर लगता है, जो कि बुरी तरह खुब जाता है, जिससे वो शदीद जख्मी हो जाता है। उसके बाद वो हाथ एक गाड़ी का शीशा खुद तोड़ देता है, गियर लगाता है, और गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से भाग जाता है, क्योंकि मार्टिन भी गाड़ी के अंदर होता है। उसके पास बॉबी का फोन रह जाता है, जिस पर ज़ॉम्बी स्क्वाड कॉल करते हैं। मार्टिन उन ज़ॉम्बीज़ हंटर से बात करता है, और उन ज़ॉम्बीज़ की सारी कहानी उनको बता देता है। इसके जवाब में वो लोग मार्टिन को कहते हैं कि हम लोग उसकी मदद करने नॉर्वे से आ रहे हैं, तब तक तुम इस बात का पता लगाओ कि उन ज़ॉम्बीज़ का मकसद क्या है, कि इस सब बर्बादी के पीछे वो क्या चाहते हैं। उन ज़ॉम्बीज़ हंटर का लीडर डैनियल होता है। इसके साथ उसकी दो असिस्टेंट्स होती, जिनका नाम मोनिका और ब्लेक कोम होता है। वो दोनों नर्स होती। इन लोगों को देखने के बाद यहाँ पर एक बात तो तय थी कि अब मार्टिन का बचना मुमकिन नहीं। उसके बाद थोड़ी ही देर में वो लोग नॉर्वे पहुंच जाते हैं, और मार्टिन की लोकेशन का पता चल जाता है। वो उसके पास जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले वो कुछ असला खरीदते हैं ताकि उन ज़ॉम्बीज से लड़ा जा सके, और वो हथियार उन ज़ॉम्बीज को मारने में उनके काम है। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन वर्ल्ड वॉर टू के म्यूजियम में जाता है। वहां पर एक आदमी होता है जो कि उस जगह का क्लर्क होता है, और वो उस क्लर्क से हर्जोग के बारे में पूछता है। मार्टिन काफी देर उसे पूछता रहता है, लेकिन वो क्लर्क उसे कोई जवाब नहीं देता। जब वो प्यार से नहीं मानता, तो मार्टिन अपने हाथ की मदद लेता। उसके बाद वो क्लर्क हर्जोग के बारे में बताने पर राजी हो जाता है। वो सबसे पहले हर्जोग की हिस्ट्री सुनाता है। उस हिस्ट्री को सुनने के बाद उसको पता चलता है कि हिटलर, जो कि उन ज़ॉम्बीज का सरदार था, उसने हर्जोग को एक टास्क दिया था। उस टास्क में उसने एक गांव को खत्म करना था, जिसका नाम टेलविक होता है। लेकिन वो लोग टेलविक में जाते उससे पहले ही ऑक्सफोर्ड के लोगों ने उनको मार डाला। इस बात से मार्टिन अंदाजा लगाता है कि ये सब कुछ वो अपने ऑर्डर को, जो उन्हें हिटलर की तरफ से मिला था, उसे पूरा करने जाते हैं। उसके पास एक मैप पड़ा होता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि वो गांव जिसका उन्हें ऑर्डर दिया गया था, ये म्यूजियम बिल्कुल उसके दरमियान में आता है। वो अभी मैप को देख रहा होता है कि उसे बाहर से कुछ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो जाती है। वो बाहर जाकर देखता है, तो वहां पर हर्जोग होता है, जो अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है, और वो अपने साथ कुछ टैंक्स भी लेकर आता है। वो लोग वहां पर मौजूद लोगों को मारकर अपने साथ शामिल कर रहे थे। वो एक आदमी को पकड़ते हैं, उसकी सारी पसलियां बाहर निकाल देते हैं। हर्जोग उस म्यूजियम में दाखिल हो जाता है, और मार्टिन और वहां का क्लर्क अपनी जान बचाने के लिए अपना सामान उठाकर वहां से भागते हैं, और उस म्यूजियम में ही छुप जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो वहां पर एक डमी बनकर खड़े हो जाते हैं। हर्जोग की नजर उसी मैप पर पड़ती है। वो नेक को उठाता है, उस मैप को लेता है, और वहां से चला जाता है। उसके बाद मार्टिन भी बाहर आता है। वो देखता है कि दो तीन ज़ॉम्बीज बाहर फिर रहे हैं। यहाँ पर वो अपने हाथ का इस्तेमाल करता है, और एक एक करके बड़ी आसानी से वो सबको मार देता है। इस दौरान उसका एक हाथ उसी आदमी पर लग जाता है जो मरा होता है, और वो फिर जिंदा हो जाता है। ये देखकर मार्टिन काफी डर जाता है, और वो उसे फिर से मार देता है। यहाँ पर उसको पता चल जाता है कि अब वो भी काफी पावर्स का मालिक है, कि अब वो भी मुर्दों को जिंदा कर सकता है, और ये सोचते हुए वो उस आदमी को फिर से जिंदा करता है। ठीक उसी वक्त एक कुल्हाड़ी आती है और उस आदमी के सर पर लग जाती है, जिससे वो मर जाता है। और ये कुल्हाड़ी किसी और ने नहीं, बल्कि ज़ॉम्बी हंटर डैनियल ने मारी, और उसके बाद वो उसकी पिक्चर बना लेता है। ये देखकर मार्टिन खुश नहीं होता, कि उसकी उम्मीदें काफी बड़ी थी। उसके बाद मार्टिन अपने हाथ की पावर दिखाता है, और दोबारा उस आदमी को जिंदा करता है। ये देखकर डैनियल उसको कहता है कि तुम अपनी एक आर्मी बनाओ, और साथ ही वो ये भी बताता है कि कुछ रशियन सोल्जर्स को हर्जोग ने मरवा दिया था, जिनकी लाशें
पीछे बर्फीले इलाकों में दफन है। वो मार्टिन को कहता है कि तुम उनकी डेड बॉडीज को दोबारा जगा दो, जिसकी वजह से उनकी एक आर्मी बन जाए और फिर हम भी हर्ज़ोग से बदला ले सकें। मार्टिन इसके लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो अपने मिशन यानी उन डेड बॉडीज को जिंदा करने के लिए चल पड़ते हैं और साथ ही मोनिका, ब्लैक और ग्लेन को वो हर्ज़ोग के लिए छोड़ जाते हैं कि वो उसका पहरा देंगे, कि वो लोग हर्ज़ोग का टाइम बटाएंगे ताकि उन लोगों को अपने मिशन पूरा करने में मजीद वक्त मिल सके। हर्ज़ोग अपने टैंक लेकर आगे आगे बढ़ रहा था और उसके सोल्जर उस पॉपुलेशन में लोगों को मार रहे थे और अपने साथ शामिल कर रहे थे। मोनिका और ब्लैक को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि हम दोनों में से उन ज़ॉम्बीज में से एक को यहाँ पर लेकर आएगा, जिसके पीछे बाकी सारे ज़ॉम्बीज भी आ जाएंगे और दूसरे का काम होगा उन सब ज़ॉम्बीज को बम से उड़ा देना, लेकिन इसके लिए हमें वही शख्स दरकार होगा जो इस जगह को जानता हो, यानी ये काम हमारे लिए रिस्की है इसलिए हमें ऐसे शख्स की जरूरत है। और वो कोई और नहीं बल्कि वो ग्लैन था। वो उन ज़ॉम्बीज के पास चला जाता है और उन्हें अपने पीछे लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हर्ज़ोग अपने सोल्जर्स को उसके पीछे जाने से मना कर देता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह वो उनको अपने पीछे ले आता है और मोनिका और ग्लेन अपने प्लान के मुताबिक उनको उड़ा देती है। ये सब करके वो तीनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद हर्ज़ोग अपना बदला लेता है। वो अपना टैंक उन तीनों की तरफ करता है और फायर करना शुरू करता है। वो काफी मरतबा गन उनकी तरफ करके शूट करता है और आगे की तरफ बढ़ता जाता है और वो सोचता है कि वो लोग मर चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनियल की कार वहां पर फंस जाती है। अब उनको कार निकालना थी, जिसकी वजह से उन्हें टायर को मदद देनी थी और उसके नीचे कुछ रखना था। यहां पर उन्हें ख्याल आता है कि वो जो चीज वहां पर रखेंगे वो वही ज़ॉम्बी होगा और अपनी सोच के मुताबिक वो उसको वहां पर रखते हैं और उनकी कार आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। उसके बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो रशियन डेड बॉडीज दफन थी। उसके बाद वो हाथ अपना काम करना शुरू करता है और एक एक करके सारे रशियन बाहर आ जाते। इसके साथ में मार्टिन को इस बात का भी डर हो रहा था कि अगर उन रशियन बॉडीज ने उसकी बात ना मानी तो वो क्या करे। एक रशियन कमांडर उठता है, वो मार्टिन के पास आता है, जिसको देखकर मार्टिन डर जाता है और डर से कांपना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कोई आम शख्स नहीं था बल्कि काफी लंबा और चौड़ा, जो उस वक्त में एक शैतान था। लेकिन ये देखकर मार्टिन को काफी तसल्ली हो गई कि वो लोग उसे अपना लीडर समझ रहे हैं। हर्ज़ोग अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा होता है और सुबह हो जाती है। उसके बाद उसके सामने आता है मार्टिन, उसके साथ रशियन ज़ॉम्बीज की पूरी टीम थी। हर्ज़ोग काफी हैरान हो जाता है क्योंकि मार्टिन के साथ वो इतनी बड़ी फौज देखता है रशियन आर्मी, वो ये देख रहा होता है और साथ मार्टिन अपना वो हाथ भी दिखाता है जो कि हर्ज़ोग का। वही शैतान कमांडर सिर्फ हर्ज़ोग को देख रहा था क्योंकि उनके दिल में इंतकाम था, वो उससे बदला लेना चाहते थे। दोनों आर्मी मुकाबले के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ती है जबकि वो कमांडर सिर्फ हर्ज़ोग की तरफ बढ़ता है। इस दौरान उसके रास्ते में बहुत से ज़ॉम्बी सोल्जर आए और उसने उन सबको मार दी। ये सब लड़ाई देखते हुए पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते और साथ ही वो देखते हैं कि बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा टैंक आ रहा है जो उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है और देखते ही देखते वो टैंक उनकी गाड़ी को कुचल देता है। जैसे ही वो टैंक उनकी गाड़ी पर चढ़ता है वो लोग फौरन गाड़ी से बाहर आ जाते और उनकी जान बच जाती है और सब लोग एक घर में जाते हैं और वहां जाके खुद को छुपा ले। उसके बाद मार्टिन डैनियल को ऑर्डर देता है कि वो जाए और उन टैंक्स को काबू करे। उसके बाद दोनों सोल्जर्स की आपस में जंग छिड़ जाती है। ठीक उसी वक्त में मोनिका, ब्लैक और ग्लेन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। मार्टिन की टीम काफी स्ट्रांग थी, यही वजह है कि उन नॉजिस ज़ॉम्बीज की टीम को मारते जा रहे थे। और इसके साथ ही डॉक्टर जो अपना काम कर रहा था वो जख्मी ज़ॉम्बीज को दोबारा मरहम पट्टी करके लड़ने के काबिल बना रहा था। क्योंकि दोनों सोल्जर्स की लड़ाई चल रही होती है, रशियन कमांडर हर्ज़ोग को अभी मारने ही वाला होता है कि पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और हर्ज़ोग की टीम आकर उसे पकड़ लेती है और हर्ज़ोग और बाकी सब लोग मिलकर उसे मार देते हैं। अब लड़ाई ने अपनी साइड पलट दी थी, अब देखने में आ रहा था कि रशियन हार रहे। फिर वो लोग सोचते हैं कि अब हमें हर्ज़ोग को मार देना चाहिए क्योंकि हर्ज़ोग ही है वो जिसकी वजह से वो सारे ज़ॉम्बी जिंदा था। अगर वो मर गया तो उसकी सारी फौज भी खत्म हो जाएगी। ये सोचते हुए मार्टिन हर्ज़ोग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। इस लड़ाई में हर्ज़ोग मार्टिन को काफी मारता है, लेकिन मार्टिन भी कम नहीं था क्योंकि उसके पास भी हर्ज़ोग का एक हाथ था। डैनियल जो कि टैंक के पास आया था, टैंक में घुसता है और वहां पर दो सोल्जर को मार देता है। जैसे ही टैंक उस घर में घुसता है वो दोनों टैंक पर चढ़ जाते हैं और बाहर जो दूसरी जंग छिड़ी हुई थी उनमें रशियंस मारे जाते और सारे नॉजिस जिंदा बच जाते हैं। रशियंस में सिर्फ तीन लोग बचते हैं जिनमें मोनिका, ग्लेन और ब्लैक थे और थोड़ी ही देर बाद उन तीनों में से भी ग्लेन को मार दिया जाता है। अब मोनिका और ब्लैक ही जिंदा रह गए थे और वो बुरी तरह फंस गई थी उन ज़ॉम्बीज में। और दूसरी साइड पर मार्टिन और हर्ज़ोग की लड़ाई उसी टैंक के ऊपर जारी थी। डैनियल फिर एक सोल्जर को मार देता है और किसी तरह वो उस टैंक पर काबू पा लेता है। मार्टिन और हर्ज़ोग की लड़ाई में मार्टिन एक गाड़ी पर गिर जाता है। हर्ज़ोग अभी उसको मार ही रहा होता है कि डैनियल टैंक में बैठता है, वो फौरन गन का रुख हर्ज़ोग की तरफ करता है और शूट करता है जिससे उसका सर उड़ जाता है और उसके बाद हर्ज़ोग मर जाता है। और जैसे ही हर्ज़ोग मरता है उसकी सारी आर्मी उसी वक्त उसके साथ मर जाते हैं और उनके दरमियान में मोनिका और ब्लैक जो कि फंसी हुई थी वो बच जाती।
जाते हैं और वो लोग अपनी फतह को महसूस करते और उसकी सेलिब्रेशन करते हैं। उनका मिशन पूरा हो जाता है और ज़ॉम्बी हंटर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मार्टिन वहाँ पे एक गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो एक कब्रिस्तान में जाता है और वहाँ पर वो एक कब्र पर जाता है जो कि हैना की होती है। वो कब्र को खोदता है और हैना की डेड बॉडी को बाहर निकाल देता है। वो उसको जिंदा करने के लिए ये करता है। जैसे ही वो अपना हाथ हैना के ऊपर रखता है वो जिंदा हो जाती है और वो लोग फिर एक साथ रहने लगते हैं। उसके बाद नॉजिस डॉक्टर को हर्ज़ोग का सर मिलता है और वो सर अभी तक जिंदा होता है। उसके बाद इस मूवी का एंड हो जाता है।